हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 मैथ एक्टिविटीज शेयर करूंगी फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो एक्टिविटीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। लाइक अगर आपका बच्चा अभी 4-5 साल का है और उसे जस्ट आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही आती है, तो आप उस केस में भी ये एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 9 या 10 साल का है और अभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या फिर एडवांस एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस केस में भी आप इन एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके बच्चे का लर्निंग का लेवल होगा, अकॉर्डिंगली आप इन एक्टिविटीज को इजी बना सकते हैं या फिर इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है, ये रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज में आपके साथ शेयर की थी और आप में से काफी सारी मदर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इस एक्टिविटी को कैसे करना है वो शेयर कीजिए। तो इसीलिए आई थॉट कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज आइडिया शेयर कर देती हूँ जो करंटली मैं अभी चिया के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी चिया को एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आती है, तो अभी हम लोग डिवीजन तो स्टार्ट नहीं किया है, बट मल्टीप्लिकेशन की मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके साथ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने उसके लिए वर्कशीट बनाई थी। एज यू कैन सी, ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम मल्टीप्लिकेशन व्हील्स रख दिया हुआ है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन के लिए भी सेम एक्टिविटी बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में मैंने एक नंबर लिखा है और आगे सिंबल बना दिया है। जैसे ये अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रखा है और जो सेकंड सर्कल है वहां पे मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं। तो अभी बच्चे को क्या करना है कि जैसे जो भी नंबर यहाँ पे होगा उस नंबर को अभी जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो उन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे अगर फर्स्ट है, दिस इज 10 मल्टीप्लाई टू 20, 10 मल्टीप्लाई 7 70, 10 मल्टीप्लाई 9। और अगर आप बच्चे को जैसे टेबल करवा रहे हैं उस केस में भी आप ये वाली एक्टिविटी बच्चे के साथ कर सकते हैं। जैसे 10 4s are 40, 10 6s are 60, तो जिस भी नंबर का आप टेबल करवा रहे हैं तो ये वाली एक्टिविटी भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेम वे में जैसे ये 10 के लिए है, यहाँ पे 6 के लिए है या फिर 1 4, तो अगेन जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जब भी आपको बच्चे को कोई भी नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इजी जो होगी एक्टिविटी उससे स्टार्ट करना है। और जैसे बच्चे को कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया फिर आप उस एक्टिविटी को थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये वाली एक्टिविटी जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम चीज आप एडिशन के लिए भी बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बना सकते हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता देती हूँ कि अगेन यहाँ पे सेंटर में मैंने एक नंबर रखा है और अभी यहाँ पे एडिशन का साइन दे दिया है कि बच्चे को पता चल जाएगी इस एक्टिविटी में करना क्या है। और अगेन कुछ नंबर दिए गए हैं तो बच्चा रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है सॉल्व करना। तो उसे सिंपली ने ऐड करते जाना है, जैसे 12 प्लस 2 इज 14, 12 प्लस 9 इज 21, 12 प्लस 1 इज 13, 12 प्लस 10 इज 22। तो सेम वे में बच्चे को क्या करना है कि ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स जो हैं, मैंने जैसे 12 15 लिया है, बट जैसे आप बच्चे को अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आपको हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो जैसे आप 2 3 4 ऐसे नंबर दे सकते हो, और यहाँ पे भी जो आप नंबर दें वो भी आप 1 से लेके 5 या 1 से लेके 10 तक के ही नंबर दीजिए। और जैसे बच्चा कंफर्टेबल हो गया इसे करने में, देन आप जो है उसे थोड़ा और चैलेंज कर सकते हैं और नंबर्स बढ़ा सकते हैं। सेम एक्टिविटी आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए दे सकते हैं, जस्ट यहाँ पे नंबर लिखिए, सब्ट्रैक्शन का सिंबल दे दीजिए और बाहर कुछ नंबर दे दीजिए। सेम डिवीजन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप बार बार ये जो व्हील्स हैं उन्हें नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कार्डबोर्ड का पीस लेके उस पर एक बारी ऐसे व्हील बना लीजिए। जस्ट आपको जो स्ट्रक्चर है व्हील का वही बनाना है, उसमें नंबर्स वगैरह कुछ मत लिखिए। फिर यहाँ तो आप उसे लेमिनेट कर लीजिए शीट को, या फिर आप जो क्लियर टेप आती है उस पर वो लगा के, तो एवरी डे आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए या फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के एक्टिविटी बना सकते हैं। तो अभी मैं भी यही प्लान कर रही हूँ कि मैं एक शीट पे ऐसे व्हील बना के उसे लैमिनेट कर लूंगी ताकि मुझे बार बार इन व्हील्स को ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप चाहें तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इज एडिशन ग्रिड। ये वाली एक्टिविटी मैं चिया को काफी टाइम से करवा रही हूँ, तो आई एम श्योर मैंने ये आपके साथ शेयर की होगी, बट
जस्ट इन केस अगर मैंने आपके साथ ये एक्टिविटी नहीं शेयर की है, तो आज अगेन मैं आपके साथ ही एक्टिविटी शेयर कर देती हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने ग्रिड बनाई है, और यहाँ पे टॉप जो रो है उस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कुछ नंबर लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने एडिशन का सिंबल दे दिया है. तो अगेन सेम एक्टिविटी आप सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए बना सकते हैं, या फिर डिविजन के लिए बना सकते हैं. तो जस्ट आपको यहाँ पे सिंबल चेंज करना पड़ेगा. और इसमें अभी बच्चे को करना क्या है कि जैसे अभी ये एडिशन के लिए है तो बच्चे को ऐड करते जाना है. अब आप दो तरीके से बच्चे को करने के लिए बोल सकते हैं, इधर आप बच्चे को रो वाइज सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं या फिर कॉलम वाइज. तो जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट रो सॉल्व करके बता दूं, तो वी हैव 5, सो 5 प्लस 2 इज 7. नेक्स्ट वी हैव 7, सो 7 प्लस 2 इज 9. देन वी हैव 6, 6 प्लस 2 इज 8. 2 प्लस 2 इज 4. 3 प्लस 2 इज 5. 4 प्लस 2 इज 6. तो ये फर्स्ट रो सॉल्व कर दी. तो या तो बच्चा इस तरीके से कर सकता है, या फिर आप बच्चे को कॉलम वाइज कह सकते हैं. जैसे 2 प्लस 5 इज 7, देन 5 प्लस 5 इज 10, 6 प्लस 5 इज 11, 5 प्लस 4 इज 9, 5 प्लस 1 इज 6, 5 प्लस 8 इज 13, 5 प्लस 3 इज 8. तो अगेन आप दोनों ही तरीके बच्चे को बता दीजिए, फिर बच्चा जिसमें भी कंफर्टेबल होगा तो वो मेथड वो फॉलो कर सकता है. और यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को ये ग्रिड दे रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इतनी बड़ी ग्रिड बना के मत दीजिए. आप जस्ट यहां तक लाइक 3x3 या 4x4 की ग्रिड बना के बच्चे को दीजिए, ताकि उन्हें एक बारी इस कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाए. क्योंकि कई बार इनिशियली जब आप बच्चे को एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अगर आप थोड़ी एक्टिविटीज जो है वो एडवांस लेवल की बच्चे को देंगे, तो उन्हें उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने में टाइम लगता है या वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसीलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप बच्चे को कोई नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाएं, तो बिल्कुल बेसिक से इंट्रोड्यूस करवाइए. जस्ट उसमें नंबर्स जो है वो छोटे रखिए, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से उस एक्टिविटी को समझ जाए और कॉन्फिडेंस गेन कर ले. फिर स्लोली स्लोली आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज को थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं. तो अगेन जैसे ये एडिशन के लिए ग्रिड थी, सेम ग्रिड आप सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं. तो इसमें भी सेम चीज करनी है. जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो बच्चे को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे भी अगर जैसे फर्स्ट रो करनी है, 6 माइनस 5 इज 1, 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4, 12 माइनस 5 इज 7, 7 माइनus 5 इज 2, 10 माइनस 5 इज 5. तो अगेन मेथड सेम ही होगा, जस्ट बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर आप जैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ये वाली ग्रिड दे सकते हैं. और अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि इनिशियली जब बच्चे को ग्रिड दीजिए, तो जस्ट 3 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जस्ट 2 नंबर से भी स्टार्ट करके आप ये ग्रिड दे सकते हैं. और जब बच्चा ऐसी वाली ग्रिड सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट हो गया, तो आप उन्हें थोड़ा और चैलेंज करने के लिए टाइमर लगा सकते हैं. जैसे अभी जैसे मैं चिया को ये जब देती हूँ एक्टिविटी करने के लिए, तो मैं टाइमर लगाती हूँ, 2 या 3 मिनट का टाइमर लगाती हूँ कि अगर उस टाइम में वो इसे सॉल्व कर सकती है या नहीं. तो अगेन सेम एक्टिविटी आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट ऑलवेज स्टार्ट विद इजी एक्टिविटीज, देन ग्रेजुअली आप एक्टिविटीज का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं. और जो लास्ट एक्टिविटी शीट है, ये मैंने आपके साथ काफी बार शेयर की हुई है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चे की. अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की जो मैथ की कैलकुलेशंस हैं वो फास्टर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करे, तो ऐसी वाली वर्कशीट्स बहुत ही अच्छी हैं. तो इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नंबर से स्टार्ट किया है, और आगे मैंने बस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स दे दी हैं. और इस वाली वर्कशीट में ये जैसे सिर्फ एडिशन के लिए मैंने दी है, अगर आप चाहें तो आप मिक्स एंड मैच करके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी दे सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हैं. और अगर आपको और आइडियाज चाहिए ऐसी वाली एक्टिविटी शीट के, तो आप हमारे प्रीवियस जो डेली प्रैक्टिस वर्कशीट के वीडियो हैं वो चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने काफी बार ऐसी वाली एक्टिविटीज शेयर की हैं. इन 3 में से ये वाली वर्कशीट्स है जो अभी मैंने रिसेंटली चिया को इंट्रोड्यूस करवाई है, बट जो दूसरी 2 वर्कशीट्स हैं वो काफी टाइम से मैं चिया के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ. और अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अपने बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको इन वर्कशीट्स को कस्टमाइज करना है, मेथड जो है वो सेम ही रहेगा. तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी शीट जब आप बच्चे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो रिमेंबर कि आप जो नंबर्स यूज करें वो आप 0 से 10 तक के नंबर ही यूज करें, या फिर 0 से 5 तक के नंबर्स ही यूज करें. तो मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि बच्चे को इनिशियली जो भी
कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, और जब बच्चे को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर वो इजिली इन एक्टिविटीज को कर सकता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।